गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे? मुझे ऐसा आप लोग बहुत ही अच्छे हो जी। हाँ, तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है फाइनली। आज गाजीपुर में हमारी फर्स्ट मॉर्निंग एंड फर्स्ट डे है। पंखुड़ी यहाँ पर कपड़े उतारने में लगी है नहाने जाने के लिए, और पंखुड़ी के पापा जी हैं जो बेटे को देख रहे हैं, मौसा होने का रोल अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इनकी मम्मी कर रही हैं कुछ काम, और ये भी अपने दीदी को देखकर बहुत ही एक्टिव हो रहे हैं। सच में आज का शेड्यूल बहुत ही बिजी है। आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत फर्स्ट डे रहता है तो एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। और पंखुड़ी भी देखिए यहाँ पर एकदम खुश हैं। अच्छे से बोलो, कैसे बोलती हो? और यहाँ पर बच्चों का नाश्ता, सुबह सुबह मॉर्निंग हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। सो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ये हैं भगवान जी दीदी के प्यारे से सुंदर से, पति देव की। ये एकदम नहाने के लिए परेशान है, भैया को देख ली, यहाँ एकदम रूटीन में आ गई हैं। भैया स्कूल जा रहा है तो ये नहाने के लिए तैयार हैं। बंद करके नहाओगी? और यहाँ पर जीजा जी सो रहे हैं, थोड़ा लेट नाइट हम लोग पहुँचे थे, थोड़ा हम लोग की लेट मॉर्निंग हुई थी। यहाँ पर आकर्षित तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए। दीदी को मतलब सुबह ही इतना ज़्यादा वर्क इकट्ठा हो जाता है, छोटा सा बेटा भी है और बड़े बेटे को स्कूल भेजना। जीजा जी अभी जस्ट रेडी होकर निकलेंगे ऑफिस के लिए। मतलब सुबह का जो दिन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ही भाग दौड़ वाला होता है। आपसे क्या बताऊँ, सभी के साथ ऐसा होता है। फिर यहाँ मैं बेटे को लेकर खिला रही हूँ। पति देव अपनी ताकत को आजमाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें निकालना है वो तो हमें भी पता नहीं, बट निकाल रहे हैं। दीदी ने कुछ बोला होगा निकालने के लिए, जब उसमें से निकालते हैं तब पता चलता है कि पंखुड़ी का बैग निकाला जा रहा। जी हाँ, पंखुड़ी जाएगी स्कूल, पढ़ेगी भी, घर से लेकर वो आई नहीं और हमने दीदी से कुछ पूछा नहीं था, क्योंकि देना था मुझे दीदी को सरप्राइज़। तो फाइनली मैं और पतिदेव ने टिकट बुक कर ली थी यहाँ पर आने के लिए। सरप्राइज़ देंगे दीदी को तो काफ़ी अच्छा लगे, मतलब कुछ खास होता नहीं है, लेकिन जब अपने अपनों के पास पहुँच जाते हैं तो वो खुशी बहुत ही खास हो ही जाती है। पंखुड़ी बैग पाकर हो गई है खुश। और यहाँ पर देखिए पढ़ाई चल रही है, मैम लोग और बच्चों की भी भीड़ देखिए आप सभी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। दीदी के जहाँ रहती हैं वहीं पर ये आंटी जी का खुद का विद्यालय है जी, हैं आरसी एकेडमी है, किड्स है, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ से 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी सारा इंजॉय भी कराती हैं। सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, धीरे धीरे अब यहाँ पर आ गई हूँ, आपके साथ रिकॉर्ड करती रहूँगी। सब बहुत खुश रहते। तो पंखुड़ी भी शुरू कर दी है अपनी पढ़ाई का, उसके बाद यहाँ पर देखिए इन बच्चों का इंटरटेनमेंट होता है, गाड़ी वगैरह दी जाती है, हॉर्स वगैरह तो चलाते हैं। इसी सबसे बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं किड्स में। और क्या होता है, बच्चों को बस यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन क्या होता है, बैठने का बोलने का तरीका। बच्चे इसी में खुश रहते तो उनका समय बहुत अच्छे से कट भी जाता है। ये क्लास, ये देखिए बच्चों की क्लास चल रही है। तो नहा धोवा कर मैं निकल चुकी हूँ। पहले दिन बहुत ही काम रहता है, कहीं पर आइए जाइए थोड़ा सा अव्यवस्था फैल जाता है। यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म, देख सकते हैं आप लोग, हलवा मीठे से शुरुआत, बर्थडे गर्ल ही बना रही है कुछ से हलवा। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ चुका है, रवा देसी घी में भुना रहा है, थोड़ा थोड़ा काम ऐसे हो रहा है। और यहाँ पर पति देव को मीठा बहुत पसंद है, चढ़वाइन ने बनाया है, और क्या पसंद है तू तब क्या, जिसे प्यार बना रही है ऐसे।
इसी वजह से हाथ तो हटाओगे तभी अरे तो हलवा हाथ तोड़ने भी दिखाएंगे। तो दोगी? अरे अरे इतना भूख लग गई है क्या? मजबूर टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है, तो वीडियो बना ले रहा है। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से, बहुत ही अच्छी जगह पर रूम है दीदी का, बहुत ही मतलब ना बहुत ज़्यादा सिटी है ना बहुत ज़्यादा इंटीरियर है, मतलब टाउन एरिया। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी देखिए, ये हल्की हल्की सी हवा चल रही है। रात में तो हम लोग भटक गए थे थोड़ा सा रास्ता भी, लोकेशन ऑन करने के बाद भी लेकिन जस्ट पहुंच गए। और यहाँ पर पंखुड़ी हैं, इनको स्कूल भेज। तो ये था पहला दिन हमारे दीदी के घर का, जो कुछ था मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अभी बहुत सारा कुछ शेयर करना बाकी भी है। जी हाँ, क्योंकि आज है मेरी दीदी का बर्थडे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो देखते हैं, शाम का कुछ खास प्लान नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होगा, बच्चे हैं तो उनकी वजह से कुछ करना ही पड़ता है। क्या करने वाले वो भी ब्लॉग मैं आप तक शेयर करूँगी। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मतलब दीदी का रूम बहुत ही अच्छी जगह, बहुत कुछ मैं विजिट आपको कराऊँगी। वीडियो में बने रहिएगा, इन्जॉय करते रहिएगा और बताइएगा कि ये एरिया आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं वीडियो में दिखाऊँगी तो आप उसको देख कर बताइएगा। मुझे तो ग्रीनरी बहुत यहाँ की अच्छी लगी, आप बताइए कि आपको कैसा लगा। और कौन कौन गाजीपुर रह चुका है या आ चुका है या इस स्थान पर घूमने के लिए है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, फटाफट तिवारी पेज को फॉलो करें। बाय बाय।